हम बनाएंगे अपने प्रभु के लिए तिल के लड्डू, जो अधिकतर सर्दियों में ही बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तिल के लड्डू। तो सबसे पहले हम तिल को लोहे की कढ़ाई में भून लेंगे और किसी घी या ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे डायरेक्ट कढ़ाई में भून लेंगे। और जब तक भूनेंगे जब तक उनकी मतलब तिल से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, तो बस तिल को चलाते रहना है चम्मच से, और उसको चलाना बंद नहीं करना, नहीं तो जल जाएगा। इसका कलर चेंज नहीं होता ज़्यादा, तो जब स्मेल आएगी तो खुद पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, भुनने की खुशबू आने लगती है। तो अब हमारा तिल भुन गया है और खुशबू से आने लगी है, देखिए हल्का हल्का चेंज हुआ है। और थोड़ा कैमरा में कैप्चर नहीं हो पा रहा क्योंकि लाइट, फ्लैश लाइट की वजह से उसका कलर भी आपको नहीं दिख रहा, लेकिन भुन चुका है वो। तो अब इसको हम बर्तन निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कढ़ाई में गुड़। तो गुड़ को मैंने फोड़ लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये 250 ग्राम गुड़ है और 250 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा तिल था, और हल्का सा पानी डाल के इसको बॉईल कर लेंगे, इसकी चाशनी बना लेंगे। गुड़ हमारा पिघल गया है और चाशनी बनकर रेडी होने वाली है। तो हम चाशनी की परख कैसे करेंगे? चाशनी को हम पानी में डालेंगे थोड़ा सा, अगर वो पानी में नीचे बैठ जाती है यानी कि सिमट के, तो समझो हमारी चाशनी रेडी हो गई है। तो हम चाशनी को अब डाल रहे हैं पानी में, ये देखिए ये बैठ गई है, तो हमारी चाशनी रेडी है। ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करेंगे नहीं तो फिर लड्डू टाइट बनेंगे, तो ऐसे बैठ जाएगी। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं अपना भुना हुआ तिल। तिल को हम डाल देंगे और चम्मच से चलाते रहेंगे, और गैस को बंद करने के बाद ही तिल डालेंगे, गैस ऑन नहीं रहेगी। तो बस हम गुड़ को मिला देंगे और गरम गरम ही लड्डू बनाते हैं इसके। तो हाथ में पानी लगा के इसके लड्डू हम बनाएंगे। पहले हम गुड़ और तिल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब गुड़ और तिल अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद फिर हम लड्डू बनाएंगे। तो चलिए पहले मिक्स कर लेते हैं फिर लड्डू बनाते हैं। अब हमने कढ़ाई उतार के साइड में रख लिया है और हम तिल के लड्डू बना रहे हैं, और गरम गरम तिल है अभी, तो हाथ में पानी लगा के जल्दी जल्दी बनाएंगे, अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे। तो ये देखिए लड्डू कितनी आसानी से बन रहे हैं, बस हाथ में पानी लगाते जाना है, और पानी घी आप कुछ भी लगा सकते हो लेकिन हम पानी लगाते हैं। और मेरी पड़ोसन है, दो भी बनवाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उनके हाथ में कह रही थी कि मुझे बहुत गर्म लग रहा है, तो मैंने कहा कि उसे साफ मत बनवाओ, हम बना ले रहे हैं, अब हमसे बातें करो तब तक हमारे लड्डू बन जाएंगे। क्योंकि अगर कोई एक से दूसरा हो जाता है तो काम आसानी से हो जाता है, वो काम चाहे ना कराए लेकिन बातें करता जाए तो काम आसानी से हो जाता है। तो वो वीडियो बना रही थी और हम लड्डू बना रहे थे। तो हमारे लड्डू अब बन के रेडी हो गए हैं, देखिए और कितने प्यारे लड्डू बने हैं।